Hello guys, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. Today our topic is cardiogenic shock. आज का अपना टॉपिक है कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है. कार्डियोजेनिक शॉक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो स्टार्ट करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है. कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना होता है, क्योंकि जो कार्डियोजेनिक शॉक है इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है उससे कम कार्डिक आउटपुट अपने को देखने को मिलता है और इसके अंदर जो कार्डिक आउटपुट है कम होगा उसकी वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू के अंदर परफ्यूजन हो जाएगा. तो ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की. कार्डियोजेनिक शॉक इज अ कंडीशन इन विच द कार्डियक आउटपुट इज लेस देन टू द नॉर्मल एंड लीड्स टू इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन. तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है. नॉर्मल कार्डियक आउटपुट एक पर्सन का कितना होता है, 4 to 8 लीटर पर मिनट. तो ये होता है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. फिर अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है 4 to 8 लीटर पर मिनट से, अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो वो किसको लीड करेगा, कार्डियोजेनिक शॉक को. और अगर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट से अगर कम कार्डियक आउटपुट है तो वो किसको लीड करेगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को, यानी कि जो टिश्यूज है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. तो ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक. इसकी डेफिनेशन एक बार वापस से देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है उससे कम हो जाता है कार्डियक आउटपुट, जो कि किसको लीड करता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देता है. तो ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक. फिर इसके बाद आता है इसके कॉजेज की, ऐसे कौन कौन से कॉजेज या एटियोलॉजिकल फैक्टर है जिनकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. तो इसमें सबसे पहले आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अगर किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक होगा. अब ये पता होना चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के में कार्डियोजेनिक शॉक कैसे हो सकता है. अब अपने को पता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर जो मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर इनएडिक्वेट सप्लाई हो जाती है किसकी, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियम सेल्स है या टिश्यूज है वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. फिर आता है हार्ट फेल्योर. सेकेंड, हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि जो कोई भी हार्ट का एक चेम्बर है वो अनेबल टू पंप ब्लड. अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हार्ट फेल्योर के अंदर ब्लड क्या है, पंप नहीं कर पाएगा कोई भी एक वेंट्रिकल, जिसकी वजह से आगे फर्दर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा. फिर आता है नेक्स्ट कार्डियक टेम्पोनाड. अब कार्डियक टेम्पोनाड क्या होता है, ये कार्डियक टेम्पोनाड मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप कार्डियक टेम्पोनाड पढ़ सकते हैं. तो कार्डियक टेम्पोनाड से कैसे होगा कार्डियोजेनिक शॉक, ये कार्डियक टेम्पोनाड है इसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. अब कार्डियक टेम्पोनाड क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनाड में अपने को पता है कि जो केविटी है, पेरिकार्डियम केविटी, उसके अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, जिसकी वजह से वहां पे जो हार्ट है उसके अंदर जो ब्लड है या फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. फर्दर आगे ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, वहां पर ही क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. फिर आता है नेक्स्ट कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो कार्डियक मसल्स है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है या हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है वहां. ये हो कार्डियोमायोपैथी में होगा कैसे, अब नॉर्मल जो हार्ट की साइज और शेप है वो अगर है तो उसके अंदर कंटिन्यूटी रहेगी ब्लड के फ्लो के अंदर और जो कार्डियक आउटपुट है वो रेगुलर बना रहेगा. लेकिन इसमें क्या होगा कि कार्डियोमायोपैथी में अगर जो हार्ट मसल्स है वो एनलार्ज हो गई तो वहां पे जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन है वो कम हो जाएगा और वो सॉरी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे जो आउटपुट है कार्डियक आउटपुट वो कम होगा. फिर आता है डिसअरिथमिया. डिसअरिथमिया क्या होता है,
डिसअरिदमिया की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। अब डिसअरिदमिया क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिदम होती है हार्ट की, उसे बोलते हैं डिसअरिदमिया। एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिदम होती है उसे बोलते हैं क्या, डिसअरिदमिया। अगर फिजियोलॉजिकल रिदम एबनॉर्मल होगी हार्ट की तो वो भी क्या लीड करेगी, कार्डियोजेनिक शॉक लीड करेगी। तो ये थी इसके कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स या वो कॉजेज जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। फर्स्ट था इसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, हार्ट फेल्योर की वजह से हो सकता है, और कार्डियक टेम्पोनाड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिसअरिथमिया और एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिदम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसअरिथमिया बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है जो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या अपन क्या कह सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके अंदर जो देखने को मिलेगा वो होगा सबसे पहले सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड की सप्लाई है या ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो रही है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है, और कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड की सप्लाई कम होगी और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो जो ब्रेन है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ओ2 सप्लाई, ये इसके अंदर सेरिब्रल हाइपोक्सिया होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इस वजह से रेस्टलेसनेस होगा। फिर आगे नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन भी इसीलिए होगा क्योंकि जब अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी ब्रेन को या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट क्या होगा, कॉन्शियसनेस लेवल है वो भी कम होगा और पेशेंट को कन्फ्यूजन सा मिले देखने को, मतलब फील होगा कन्फ्यूजन सा। फिर आता है नेक्स्ट एजिटेशन, एजिटेशन होगा पेशेंट को। फिर आता है नेक्स्ट इसका लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। अब लो ब्लड प्रेशर क्यों देखने को मिलेगा ये पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी सा रीजन है इसके पीछे कि जो अपने को पता है कि अगर कार्डिक आउटपुट कम होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड की ब्लड है वो ब्लड का लेवल भी कम होगा, फ्लूइड का लेवल कम होगा, और अगर ब्लड का लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली अपने को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा या लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर आता है रैपिड एंड वीक पल्स। अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, जो जो पल्स है वो मतलब प्रॉपर नहीं मिलेगी। जैसे कई कई टाइम तो क्या होगा कि जो ब्लड जो पल्स है वो कम देखने को मिलेगी, रैपिड देखने को मिलेगी यानी फास्ट देखने को मिलेगी, और कई बार क्या होगा कि वीक यानी स्लो देखने को मिलेगी। तो ये है रैपिड या वीक पल्स। फिर आता है कोल्ड एंड कामी स्किन। अब ये क्यों होगा, क्योंकि कोल्ड, जब अपनी स्किन कोल्ड कब होती है, या तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तब अपने को कोल्ड या कामी स्किन अपने को देखने को मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद टेकअपनिया। टेकअपनिया होगा पेशेंट को, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। पता ही है कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर कार्डियक आउटपुट ही कम होगा तो ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट भी कम होगा। फिर आता है क्रैकल साउंड। अगर पेशेंट को ऑस्कल्ट करके देखेंगे पेशेंट की कंडीशन तो अपने को क्या, कौन सी साउंड देखने को मिलेगी, क्रैकल साउंड देखने को मिलेगी। फिर आता है नेक्स्ट साइनोटिक स्किन। अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो साइनोसिस भी अपने को देखने को मिलेगा, साइनोटिक स्किन देखने को मिलेगी। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर अपने देख लिया, हाइपोटेंशन होगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट अनरेस्पॉन्सिव, पेशेंट अनरेस्पॉन्स करेगा, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल है वो कम होगा पेशेंट का, इसलिए पेशेंट क्या करेगा, अनरेस्पॉन्सिव भी देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स नहीं करेगा किसी भी चीज का। तो ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। नाउ नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कार्डियोजेनिक शॉक की। जो पैथोफिजियोलॉजी है कार्डियोजेनिक शॉक की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इजी है लेकिन इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं।
पैथोफिजियोलॉजी, अभी अपन ने जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे या कॉजेस देखे उनकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कम करेगा। फिर इसकी वजह से क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कम करेगा तो फर्दर जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अब कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, एक तरफ इसको फिर टू टाइप्स में डिवाइड किया है, इसके आगे ये या तो अपन इतनी भी लिख सकते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, या फिर इतनी भी लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं, दो तरीके से इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो है। फिर एक तरफ सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्डिक आउटपुट कम हो गया, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम। अगर जो कार्डिक आउटपुट है वही कम हो रहा है, जब हार्ट से जो पंप हो रहा है ब्लड वो आगे अगर नहीं जा पाएगा, यानी कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, और कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसके अंदर इंक्रीज होगा तो इंटरस्टिशियल एडिमा होगा, जो एडिमा देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो उसके अंदर इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिलेगा। जो अगर आगे जो जो ब्लड है वो हार्ट से कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर नहीं जा पा रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, उसकी वजह से जो पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से क्या होगा, फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, मायोकार्डियम के अंदर इस्चीमिया हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, दूसरी तरफ देखते हैं डिक्रीज ब्लड फ्लो, कार्डिक आउटपुट कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी के अंदर परफ्यूजन हो जाएगा, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर परफ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या देखा कि डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट कम होगा, और कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर बढ़ेगा ये प्रेशर, पल्मोनरी वेन के अंदर ये प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा, और पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा होने की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ है कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर परफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगा, और परफ्यूजन कम होने की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि अपन हर डिजीज के अंदर पढ़ते हैं कि सबसे पहले अपने को हिस्ट्री कलेक्ट करनी है पेशेंट की। अब हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करनी है वो अपने को पता होना चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर क्या अपन कलेक्ट करेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर अपने को यही हिस्ट्री देखेंगे कि पेशेंट की, जैसे कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कार्डियक, जो भी कार्डियक सिस्टम के अंदर मोस्टली जो हिस्ट्री देखी जाती है वो जो अपने फैमिली के अंदर अगर किसी को कार्डियक से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री है तो उसको होने के चांसेस होते हैं, दूसरी वाली जो जनरेशन होती है उसके अंदर भी। तो हिस्ट्री कलेक्शन में अगर पेशेंट को पहले MI हुआ है या हार्ट फेलियर हुआ है तो वो अपन हिस्ट्री कलेक्ट के अंदर देखेंगे, या कोई जेनेटिकली कोई डिजीज तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो नहीं है, तो वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की जो पल्स है वो अपने को इरेगुलर देखने को मिलेगी, वीक या रैपिड, और इसके वाइटल साइंस देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा पेशेंट का, कूल स्किन देखने को मिलेगी, और जो क्रैकल साउंड है वो भी अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है नेक्स्ट है ABG एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्या है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, तो उसको क्या करता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड के अंदर उसको मीजर करने के काम में आता है ABG एनालिसिस, यानी ब्लड के अंदर जितना ऑक्सीजन है O2 लेवल है उसको मीजर करने के काम में लिया जाता है ABG एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टरी के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है वो अपने को देखने को मिलता है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस में। फिर आता है नेक्स्ट ECG। ECG के अंदर अपने को चेंजेस मिलेंगे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की वो कम हो रही है, तो अपने को ECG के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे या इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी और चेस्ट एक्सरे से अपने को देखने को मिलेगा कि जो जो भी कोई कॉजेस है
जो भी कोई कॉजेज है कार्डियोजेनिक शॉक होने के, जैसे मायोकार्डियल के अंदर कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ है, या फिर वहाँ पे कोई नेक्रोसिस या इस्चीमिया डिसरिथमिया जो भी हुआ है वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा, या हाइपरट्रॉफी हुई है मसल्स की, कार्डियोमायोपैथी हुई है, या जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है वो नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो गया है, तो वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे के अंदर और इकोकार्डियोग्राफी के अंदर। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, जो कार्डियोजेनिक शॉक है इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट करने से पहले अपने को गोल पता होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करना है अपने को। तो अपने को पता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर ऑक्सीजन की लेवल है वो कम हो रहा है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के बाद जो टिश्यूज के अंदर जो वो हो रहा है, टिश्यू के अंदर जो परफ्यूजन है वो कम हो रहा है, तो उसको रिस्टोर करना है टिश्यू परफ्यूजन को। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है अपने को, रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन है उसको रिस्टोर करना है। फिर आता है नेक्स्ट आईवी वॉल्यूम एक्सपेंडर। अब आईवी वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। नॉर्मली आप सबको पता होगा, जैसे नॉर्मल सेलाइन हो गया, आरएल हो गया, एल्बुमिन हो गया, तो ये क्या होते हैं आईवी एक्सपेंडर्स। आईवी एक्सपेंडर्स क्यों देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम है पेशेंट के अंदर, तो अपन ये सॉल्यूशन देंगे आईवी वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, जो आईवी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जैसे नॉर्मल सेलाइन हो गया, आरएल हो गया और एल्बुमिन हो गया। फिर आता है नेक्स्ट सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्यों देंगे, पेशेंट को ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि सेडेशन प्रोवाइड कराती है, यानी थोड़ा जो नींद लाने का, मतलब अपन कह सकते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा नींद लाने वाली दवाई देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए अपन सेडेटिव्स देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वेजो प्रेशर क्यों देंगे। वेजो प्रेशर इसलिए देंगे क्योंकि वेजो प्रेशर क्या काम में आती है, जो ब्लड प्रेशर है उसको और जो कार्डिक आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के काम में आती है। तो यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी और कार्डियक आउटपुट को क्या करती है, बढ़ाती है। तो ये था इसका मैनेजमेंट, जिसके अंदर ऑक्सीजन सबसे पहले अपने को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, फिर रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन, जो टिश्यूज के अंदर परफ्यूजन है उसको रिस्टोर करना है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा के, फिर आईवी वॉल्यूम एक्सपेंडर्स देने। आईवी वॉल्यूम एक्सपेंडर्स इसलिए देंगे क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा है, इस वजह से जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको इंक्रीज करना है। फिर आता है नेक्स्ट सेडेटिव्स क्यों देंगे। सेडेटिव इसलिए देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखना है। फिर आता है नेक्स्ट वेजो प्रेशर भी क्या काम में करता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको और कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें अपन ने पढ़ा कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद इसके जो कॉजेज थे वो, फिर पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट थी जो कि अपने को आनी जरूरी है। फिर इसके बाद देखे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बाद इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो अपने को देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। फिर इसका जो मैनेजमेंट है वो देखा, जिसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर अपने देखा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है और जो टिश्यूज का अंदर जो परफ्यूजन हो रखा है उसको रिस्टोर करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक बात का ध्यान रखिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लासेज है उसको शेयर करिए, जिससे कि हर किसी का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।